हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ड्रेस होता है, कुर्ता होता है, उसमें हम पॉकेट कैसे लगाएं। ये देखिए इस तरीके से, वो भी फुल फिनिशिंग के साथ। इसका यहाँ से यहाँ कितना नाप लेना है और यहाँ से यहाँ भी किस तरीके से नाप लेना है, वो मैं आपको बताऊँगा ये वीडियो में। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये वीडियो में हम बस यही देखने वाले हैं कि कुर्ते में जेब कैसे लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो पॉकेट रहेगी वो हमारी राइट साइड पे रहेगी। राइट साइड मीन्स ये देखिए, ये हमारा हमने सीधा भाग कर दिया है, ये देखिए सीधा भाग। तो ये हमारी राइट साइड रहेगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हो तो आपको लेफ्ट में रखनी पड़ेगी और राइटी हो तो आप राइट में रखनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग राइट में ही रखते हैं क्योंकि वो राइटी होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे भी हमारा ये राइट में पॉकेट आएगा, ये देखिए। तो ये हमारा सीधा पार्ट है और आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो हमारा वो राइट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे एक मार्किंग भी यहाँ पे ही है, तो हमें यहाँ पे लगानी, वो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ लगानी है पॉकेट। ये हमारा हो जाने के बाद ये देखिए, यहाँ से यहाँ 6 इंच रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जो इसका जो मार्किंग है, वहाँ से लेके यहाँ तक आप 6 इंच रखोगे तो भी चलेगा, या फिर 5.5 रखोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे 6 इंच रख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। इससे हमारा हाथ आसानी से आ जा सकेगा। यह हमारा हो जाने के बाद अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फालतू कपड़ा लिया है, तो ये फालतू कपड़े में से हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले जो आप अपनी लंबाई रखना चाहते हैं पॉकेट की, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे करीबन 14 इंच में लंबाई रख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ सिलाई में जाके 14 इंच ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्किंग लगा दिया है, वो हमें कुछ काम का नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए 6.5 इंच, और यहाँ पे भी उसी तरीके से 6.5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। अभी ये मार्किंग को हमें मिलाना है। इसके बाद ऊपर से हम 1 इंच छोड़ देंगे, और फिर जो हमारा हाथ जाने के लिए कम से कम 6 इंच हमारा हाथ जाने के लिए चाहिए, 5.5 इंच तो चाहिए। ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट होता है इसके लिए, तो एक मार्किंग हम 6 इंच पर लगा देते हैं। यह हमारा हो जाने के बाद यहाँ से करीबन 1 इंच, ये देखिए इस तरीके से यहाँ इसको शेप देंगे। मालूम पड़ने के लिए यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेप देंगे, ये देखिए। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से क्रॉस देना है। ये हमारा हो जाने के बाद अभी जेब को हम काट लेंगे, लेकिन काटने के टाइम एक बात याद रहे, देखिए यहाँ से तो हमने इस तरीके से ही काटना है, लेकिन यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा सिलाई का छोड़ने के बाद काटना है, ये देखिए इस तरीके से। आपको मशीन पे करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पॉकेट हमने काट ली है, लेकिन जहाँ पे मैंने पॉकेट काटने के लिए बताया तभी मैंने इसकी लंबाई नहीं बताई थी, क्योंकि वो थोड़ा ट्विस्ट था। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे सिलाई का निकल जाने के बाद हमें पॉकेट 12 इंच या 12.5 इंच रखनी है, क्योंकि जो लेडीज़ पेंट में या अपना जो है ना, लेडीज़ में 12 से 12.5 इंच आती है, और जो जेंट्स होते उसके उसमें जो पॉकेट आती है वो 14 इंच पे आती है। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। अभी सबसे पहले हमें ये जो हमारी पॉकेट है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से लेके
यहाँ तक एक सिलाई लगा देनी है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको पलटी कर देंगे। जैसे अब पलटी करने के बाद आप चाहो तो एक सिलाई और लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ये देखिए हमारी इस तरीके से कुछ दिखेगी। ये हमारा हो जाने के बाद हमें, देखिए मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे हमारी पॉकेट लगेगी, तो ये हमारा राइट साइड है हमारा, ये इस तरीके से आएगा राइट साइड में। तो ये देखिए एक मार्किंग तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है ये पॉकेट हमें कहाँ तक लगानी है, तो यहाँ पे कुटका लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाने के बाद इसको पहले हम हटा लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा ये सीधा पार्ट है, और ये हमारा जो ये वाला पार्ट है वो हमारा उल्टा है, तो यहाँ हमें सीधे में लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से इसमें जो पॉकेट है, ये जो इसका ही कपड़ा है, लेकिन पूरा पूरा है ना कपड़ा वही है, इसके लिए हम ब्लैक कलर हमें नहीं मिला, इसके लिए हमें यही पॉकेट लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो उल्टा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक इसको मिला लेना है, ये देखिए, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इसको यहाँ से आप चाहे तो एक पैर की भी सिलाई मार लगा सकते हो, या फिर इसके ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा दोगे तो भी चलेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लगाई है, अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए जो ये है, मैं आपको उल्टा करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाई है, तो अभी हम इसको यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। और ये लग जाने के बाद उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए अभी हमें जो आस्तीन की लेंथ है वो देखनी है, और यहाँ से मैं सिलाई लगा देता हूँ पहले। ये देखिए तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा पक्का जमा लेना है, उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से, और ये हमारा हो जाने के बाद वापस से इसको यहाँ से आएंगे, और यहाँ पे और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमारा हो जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये जो हमारा है, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग किया था, तो हम सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे पक्का कर लेंगे, और फिर यहाँ पे सकट है, तो यहाँ पर भी एक पक्का कर लेंगे। फिर वापस एक बार ऊपर जाएंगे, और फिर हम इसको इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो जाने के बाद अभी हम इसका कट मोड़ देंगे, लेकिन कट मोड़ने के टाइम याद रहे कि आपको इतना काट देना है, ये देखिए इस तरीके से इतना काट देना है, और उसके बाद हम कट मोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको पॉकेट लगा दी है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगी, ये हमारी पॉकेट आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ओवरलॉक लगाकर इस तरीके से एक पॉकेट बना के तैयार कर दी है। ये पॉकेट हमारी इस तरीके से ही लगेगी, मैं आपको इसको सीधा करके बताता हूँ। ये देखिए ये हमारा सीधा पार्ट है जो है वो, ये जो हमारा सीधा पार्ट है, तो यहाँ पे हमारी पॉकेट है, ये देखिए। इस तरीके से आसानी से हमारा हाथ भी जा सकता है, और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है वो भी नहीं दिख रहा है।
और इसका जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, ये देखिए इस तरीके से, इसका जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है उसमें मैंने यहाँ पे 1 इंच कम लिया था, वो इसीलिए लिया था कि ताकि ये हमारे यहाँ से बाहर ना निकले। ये देखिए हम जब हमारा ये इस तरीके से आएगा ऐसे, अगर हमने यहाँ पे 1 इंच कम नहीं लिया होता तो ये हमारा यहाँ पे बाहर दिखने वाला था। अभी देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच काट दिया था तो ये हमारे यहाँ से बाहर नहीं दिखेगा। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि इसमें 1 इंच कटिंग करना है। तो ये वीडियो को कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा